खबर आपको देंगे। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ़ खोसा की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने एक हफ्ता कबल लतीफ़ खोसा को शो कॉज नोटिस भी जारी किया था। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। हमीद सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद सोमरू, बताइएगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है सरदार लतीफ़ खोसा की। जी, सरदार लतीफ़ खोसा जो है इस बात का इजहार कर रहे थे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन अब सेक्रेटरी जनरल पीपुल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी की तरफ से जो पार्टी पॉलिसी है उसके खिलाफ काम करने और खासतौर पर चेयरमैन पीटीआई की वकालत करने की जो है पादाश में इनको शोकाज नोटिस जारी किया था, और शोकाज नोटिस की मुद्दत जो है वो पूरी होने के बावजूद उसका सरदार लतीफ़ खोसा की तरफ से जवाब नहीं दिया गया था। तो अब उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और लतीफ़ खोसा की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत है उसको